नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। जैसे कि हम सब जानते हैं दर्शकों, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आह्वान किया था कि जल्द से जल्द यूटी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए जाएंगे। इलेक्शन के लिए डिलिमिटेशन कमीशन ऑलरेडी गठित किया जा चुका है, लेकिन आह्वान करना और लाल किले से बड़ा हौसला बढ़ जाता है। और साथ साथ ये भी कहा था कि जैसे ही परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आएंगी, तत्काल प्रभाव से चुनाव करवा दिए जाएंगे। थोड़ी देर के लिए पब्लिक डोमेन में उनको रखा जाएगा, ऑब्जेक्शन होंगे उन पर चर्चा की जाएगी, और उसके बाद जो असल रिकमेंडेशन होंगी उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला जो अपनी चुनाव रैली के दौरे पर है, उन्होंने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साक्षात यानी डाउट्स जाहिर किए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमीशन में हस्तक्षेप कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2011 की जो जनगणना है उसमें टेम्पर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ तो इसका विरोध किया जाएगा। पहले हम उमर अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट को सुनाते हैं अपने दर्शकों को, फिर आगे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। अब अलग 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 रीजन्स की अलग अलग डिमांड है ना, अब इसमें डिलिमिटेशन को लेकर हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इसमें खासकर पॉपुलेशन का जो डेटा है 2011 के सेंसस का, 2011 के सेंसस के मुताबिक डेटा ड्रिवन जो है डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज होना चाहिए। यहाँ पे एक शिकायत ये भी रही है लोगों की कि इसमें बीजेपी वाले बहुत ज़्यादा दखल दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नक्शे इस तरह बने ताकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को सियासी तौर हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मौक़ है कि इसमें डेटा ड्रिवन और एक ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज होना चाहिए, उसके बाद लोगों का फैसला है वो क्या। तो दर्शकों, आपने सुना, उनको डाउट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाउट है कि हस्तक्षेप किया जा रहा है, इंटरफेरेंस की जा रही है, चर्चा करेंगे। और पैनल में शेख बशीर जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। बशीर साहब आपका स्वागत है। अजय भारती रैना जी आपका भी स्वागत है, भाजपा से हैं और MLC फॉर्मर MLC रहे हैं, और MR कुरैशी पेशे से एडवोकेट भी हैं और साथ साथ PDP के बड़े नेता हैं। सवाल तो पहले अजय भारती जी से ही बनता है, डाउट जाहिर किए हैं क्या ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले भी यह कहा जाता था कि भाजपा के कार्यालय में ही डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है, यहीं से रिकमेंडेशन जा रही है। उमर साहब का डाउट करना जो है ये एक्सप्रेशन उनके अपने पिछले एक तरीके से कहें तो कर्म का आधार पर वो ऐसा डाउट क्रिएट करते हैं। 47 से लेकर बाद में जहां जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर डिलिमिटेशन करवाई है, जिस प्रकार से डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को यहां पर कायम किया है, इस प्रकार के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज न केवल सिर्फ जम्मू रीजन के साथ ज्यादती करी बल्कि कश्मीर में भी अगर देखेंगे जो कामराज जिसको हम कहते हैं उसके साथ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इक्वल इन पॉपुलेशन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफिकल्ट टेरेन, तो उसके साथ भी अन्याय किया। तो इसलिए उनको लगता है कि हर सरकार उसी प्रकार से काम करती है। मैं सिर्फ दो चीजें कहूंगा, एक जो अभी इलेक्शन कमीशन के पास जिस प्रकार से डिलिमिटेशन कमीशन का जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है उसमें कोई भी टेम्परिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस प्रकार के वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन होगा। लेकिन 2011 की सेंसस करेक्ट नहीं है, उसमें फजिंग हुई है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता, ये भी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है उन दिनों के यहाँ के बड़े नेताओं से। अजय जी आप रिकमेंड करेंगे, क्या आप कमीशन को रिकमेंड करेंगे कि जो 2000 के जो जनसंख्या है, जो जनगणना में जनसंख्या दिखाई गई है वो गलत है? मैं ये कह रहा हूं कि उस पर सवालिया निशान 2011 में ही उठाए गए थे, इसलिए उसको निश्चित रूप से चेक करना चाहिए। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वो ये है कि सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखकर, वो टेरेन की है, कम्युनिकेशन की है और उसकी जो एसेसिबिलिटी है हिली, और ये सिर्फ यहीं पर जम्मू कश्मीर में नहीं तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में, अगर हम उत्तराखंड का देखेंगे तो हिली टेरेन क्या किस प्रकार से रह सकता है, या बाकी सारी फैक्टर्स को ध्यान में, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है यानी जो अवामी नुमाइंदा। अब जैसे श्रीनगर सिटी ले लीजिए, आप 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपने बांटा कि आप ये पैदल चलकर ही 8ों को घूम कर आ सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे कि बारामूला की कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप रफियाबाद ले लीजिए, पहलगाम की ले लीजिए, या जम्मू क्षेत्र में तो और बड़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं, तो जब उनको देखते हैं तो इसको भी कंसिडर डिलिमिटेशन को करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और जो भी साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अजय भारती ने कहा है कि
उनको जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कार्यकाल में किया है, शायद उनको ऐसा ही डाउट भारतीय जनता पार्टी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। ये बदकिस्मती की बात है कि इस तरह की बात की जा रही है। डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर डाउट इसलिए हो रहा है जी, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को ही टारगेट किया। डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में ही क्यों की जा रही है, जबकि ये ड्यू है पूरे इंडिया में। एक तरफ ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही हम जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बना, और उसके बाद सेलेक्टिव कर रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन सेलेक्टिव क्यों कर रहे हैं, अगर ये प्रोसेस होना है तो पूरे इंडिया में होना चाहिए। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिस तरह मेरे साथी ने कहा कि जनाब 2011 का फिगर जो है, ये मैं सुन रहा हूँ, 2011 की जो फिगर्स है सेंसस की फिगर वो गलत है, वो कहते हैं ये गलत है। अगर ये मानते हैं ये गलत है तो ये उस बेस पे फिर कैसे कर रहे हैं जी। और मैंने पहले भी ये यहाँ जब डिबेट हुआ था तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि 2011 का जो फिगर है वो गलत है या ठीक है, वो 2011 चला गया जी। 2021 में सेंसस ड्यू था, सेंसस करवा लेना चाहिए था right. ताकि लोगों के पास दूध का दूध पानी का पानी होता कि क्या सेंसस सही है जी। वो तो इन्होंने नहीं कराया। डिलिमिटेशन का गठन किया, वो यहाँ आए, कुछ जगहों के ऊपर बैठे, वहाँ कुछ लोगों को मिले, उसके बाद उन्होंने कहा जी अच्छा हमारा रिपोर्ट अब फरवरी में आएगा। मुझे याद है डिलिमिटेशन पहले भी जब हुआ था हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ही नहीं बल्कि हर ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर लोग गए थे जी। वहाँ लोगों की आवाज़ सुनी थी, बात सुनी थी, उसके बाद फैसला हुआ था। और ये कहते हैं कि जनाब वो भी गलत था, वो जो जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कश्मीर के इंसाफ नहीं हुई, टेरेन की बात थी। हम भी चाहते हैं कि कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज हो, कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज इस नियत से नहीं कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज अगर नहीं होती है तो ये जो सारी एक्सरसाइज है ये फ्यूटाइल है जी। और अगर ये फ्यूटाइल है, जिस तरह ये खुद कहते हैं कि सेंसिस ही जो 2011 का है वो सही इनके हिसाब से नहीं है, तो फिर ये तो उसी सेंसिस के ऊपर तो डिलिमिटेशन कर रहे हैं। हमारा शक यहाँ गुजर रहा है कि आपको मैं बताऊं कि DDC की कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई है, DDC की जब कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई तो किसी को नहीं पूछा जी। हर डिस्ट्रिक्ट में 14-14 कॉन्स्टिट्यूंसियां उन्होंने बनाई, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। लेना चाहिए, जमहूरियत में पॉलिटिकल पार्टी चाहे 2 बंदे हों, 10 हों, 20 हों, वो मैटर करते हैं। कॉन्फिडेंस में लिया, अच्छा जब लिया के सदस्यों से आप मिले, चेयरमैन से मिले, जब मिले हमारा जो मेमोरेंडम था हमने उनको बाजबता वो कहा कि भाई क्या है, कहने का मतलब यह है कि डाउट इज देयर, और हमें लगता है कि जो हमारा डाउट तभी क्लियर होगा जब ये ट्रांसपेरेंट होंगे। ये ट्रांसपेरेंट नहीं, आपको लगता है कि कमीशन कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, जो कमीशन को काम करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी डाउट है? देखिए जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देर आए कि दुरुस्त आए जी। उमर साहब का बयान आया, जब PDP ने बायकॉट किया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टिसिपेट करने की बात कही थी, और आज वो समझे कि जो PDP का स्टैंड था वो ठीक था, हमने बायकॉट उसी दिन कह दिया था, फर्स्ट डे से जिस दिन ये डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और PDP ने कहा इसमें हमें कोई तवक्का नहीं है कि ये फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज होगी जी। मैं अपने साथी जो BJP के यहाँ भारती साहब हैं, इनकी बात से को मद्देनज़र रखते हुए ये कहना चाहता हूँ इनसे कि जो बात इन्होंने कही कि भाई 2011 की सेंसिस में फर्ज हुआ जी, फर्जिंग हुई और उसमें धांधलियाँ हुई, देखिए उसकी धांधलियाँ हुई या फजिंग हुई तो आप उसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बनाते वक्त, यहाँ आपने डिलिमिटेशन का प्रोसेस 2011 की सेंसिस में पार्लियामेंट से ही तो करवाया, पार्लियामेंट में ही सुने तो आज जो बात आपकी वो गैर कानूनी नहीं बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो बात आप कह रहे हैं कि ये फजिंग वाली जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सरसाइज होती रही सेंसस कमीशन जो सेंसस की इंडिया का डिपार्टमेंट है सेंसस डिपार्टमेंट में करता रहा, तो आपको फिर ये जब डील आप बनाना था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
या स्टेट को एक यूटी में बदलने के लिए आप तैयारी करके बैठ गए थे, तो एक्सरसाइज तो उससे पहले कर रखी थी आपने और एक एक्ट बना डाला आपने, उसमें कहा कि 2011 की सेंसिस से ही होगी। बिल्कुल ठीक है, आप पूरे मुल्क में 2011 की सेंसिस पर कहीं भी डिलिमिटेशन नहीं कर रहे, ना ही वहाँ जिन जहाँ इन्होंने उत्तराखंड की बात कही वहाँ भी इन्होंने 2011 की सेंसिस पर नहीं की। यहाँ ये एक वाहिद रियासत थी जिसमें 1996 में यहाँ डिलिमिटेशन हुई थी, ये वाहिद रियासत थी जो तामीर और तरक्की में सब बाकी रियासतों से आगे थी और प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी में भी आगे थी। आज अगर 2026 तक फ्रीज है रेस्ट ऑफ द कंट्री में, तो आपका वो एक विधान, एक वो जो आपका नहरा था, एक विधान एक निशान, एक निशान और इसकी बात थी, तो फिर आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ लागू करने में आपको देरी लग रही है, आप यहाँ एक कानून लगा रहे हैं, उत्तराखंड में दूसरा कानून लगा रहे हैं, यूपी में आप तीसरा कानून लगा रहे हैं, यहाँ तो आपकी यूनिफॉर्मिटी कहीं दिखती नहीं। आप सिर्फ जम्मू और कश्मीर को आप एक अमाजगा बना रहे हैं तजर्बे की, और इस यहाँ से आप वोटिंग लेकर एक्सप्लॉइट करके रेस्ट ऑफ द कंट्री में वोट लेना चाहते हैं। अजय जी आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको लगता है फजल ये चर्चा का विषय बना है, अभी नहीं बना है कि जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई है या यूटी बनी है या 370, उससे पहले भी ये चर्चा का विषय बना था कि 2011 के सेंसेक पर डाउट भारतीय जनता पार्टी और बाकी दीगर लोग भी करते रहे, तो आपने क्यों तय किया या सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट ने ये फैसला क्यों लिया कि 2011 की जनगणना लिया जी 2011 की जनगणना के आधार पर ही यहाँ पर जो डिलिमिटेशन होगा? देखिए दो चीजें, पहले जो मेरे दोनों साथियों ने यहाँ पर बताई कि यहाँ पर फ्रीजिंग है सारे देश में, इसमें जितना रिवील किया जाता है उससे ज्यादा कंसील होता है, क्योंकि जिस वक्त सारे देश में रीऑर्गेनाइजेशन हुई उस वक्त फ्रीजिंग हुई थी अपर लिमिट ऑफ सीट्स पार्लियामेंट के लिए, लेकिन विद इन उसमें जो रैशनलाइजेशन था यहां पर होने नहीं दिया। अब मान लीजिए आप पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात कर रहे हैं कि आप एक प्रकार देखते हैं कि उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, एक कश्मीर घाटी में आप देख लीजिए, तीन कॉन्स्टिट्यूंसी का डिफरेंस किस प्रकार से है, तो वो रैशनलाइजेशन किसने अलाउ किया? और जो 2026 का फ्रीजिंग आया था उसका जो सारे देश में जो इंपैक्ट था, उससे पहले जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रैशनलाइजेशन हुई क्या जम्मू कश्मीर में होने दी गई? तो एक तरीके से ये जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने की बात है, नया जब सारे देश में होगा जम्मू कश्मीर में भी होगा, ये निश्चित बात है। दूसरी बात, मैंने फिर कहा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कश्मीर घाटी में 2011 की सेंसस हमें बताती है 1,65,000 हिंदू है, जिसमें से 1,35,000 मेल और एक बाकी के फीमेल्स हैं। मुझे इसको कोई प्रूव करके बताए कि ये किस ढंग से सही है। अब आपका प्रश्न है कि भाई ये उस वक्त पार्लियामेंट में उस वक्त क्यों? आप समझ लीजिए कि उस वक्त एक बहुत बड़ा निर्णय जो इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने का, ये उस दिन से देश का हिस्सा बना, ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी ने ना तो क्लेम किया ना वो मानती है, बल्कि ये मानते कि इंटीग्रेशन प्रोसेस को जो डिसरप्ट किया गया था उसको 2019 को कंप्लीशन की तरफ लीगली और बाकी अब सिर्फ इमोशनल वाला हिस्सा रहता है, बाकी सारी कंप्लीशन। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक जो 2011 की जनगणना वो बिल्कुल गलत है, आप ये मानते हैं? क्वेश्चन मार्क बिल्कुल निश्चित रूप से, उसके आधार पर अगर दोबारा डिलिमिटेशन होता है तो आपको नहीं लगता कि फिर एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर और जम्मू की आवाम के साथ धोखा होगा? नहीं, क्या आप करेंगे? वो हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम सब लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, चाहे पार्टी की तरफ से या जो रीजन की तरफ से, जो बाकी सब लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन के साथ हो गया, हमारा ये कहना है कि वो इसको कंसिडर करके ही अपना रिपोर्ट देंगे, ये हमारा विश्वास है। फिर दूसरी बात, जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी कर रहे थे उन्होंने बात नहीं की, अब वहां के पार्लियामेंट मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी दी गई, वो आना का नहीं, वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें जाना कि नहीं जाना, कभी कहते हैं जाना, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम है कि ये डेमोक्रेसी को लिमिट करना चाहते हैं असेंबली तक या बहुत पहले काउंसिल तक, डीडीसी लेवल तक, बीडीसी लेवल तक, पंचायत तक, ये उसको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए वो इशू है बेसिक। बशीर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि ज्यादा कंसंट्रेट करना उमर अब्दुल्ला की 2011 की पॉपुलेशन के साथ साथ और भी बड़े फैक्टर्स रहते हैं, जैसे अरिजी ने बताया और हम भी सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन एंड बाकी दीगर चीजें, इस पर कंसंट्रेट करना क्या आपको लगता है कि कहीं ये पर्दादारी की जा रही है कि जो जनगणना 2011 की हुई है वो गलत हुई है? देखिए मैंने आपको पहले ही ये बताया, आपके माध्यम से मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुतजाद बातें हो रही हैं।
बीजेपी खुद कह रही है कि 2011 का पेंशन ठीक नहीं है जी। जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि 2011 की सेंसस में 1,65,000 हिंदू ही कश्मीर में हैं, ये कम है या ज्यादा है? लेकिन 14 मैंने रेशो बताया मेल फीमेल, 2014 मेल और फीमेल का रेशो कंट्रोवर्सी क्वेश्चन किया कुछ मैं कहता हूँ जी 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 जी, लेकिन 2014 से ये हुकूमत कर रहे हैं और 2021 में हम हैं और 7 साल में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा यार अगर 1,65,000 था तो ये गलत था तो ठीक क्या है जी। और अगर ये ठीक नहीं है तो जो चीज हम कर रहे हैं ये वो सारा एक्सरसाइज फर्टाइल है, नंबर वन। नंबर टू कि ये जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं कि पहले ये करना है तो फिर ये करना है? ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन को अगर समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो लोगों की शहरक होती है, लोगों की जो बेस होता है, अगर वो इलेक्शन पहले करवा लेते, वो खुद कल जो इलेक्ट होकर मेंबर आते वो खुद करते क्या करना है उनको जी। ये सिस्टम भी ये चूंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके ये करना चाहते हैं, ये कहते हैं जी हमारे पास तो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे हम कर रहे हैं, लेकिन सामने तो कोई फिगर है नहीं। अगर ये सामने फिगर नहीं है तो डाउट ये है कि इनके माइंड में अभी कोई चीज क्लियर नहीं है। और 2026 तक अगर ये हुआ था तो पार्लियामेंट ने किया था ना, या तो ये कहें कि पार्लियामेंट पर भरोसा नहीं। उस वक्त पार्लियामेंट ने फ्रीज किया और सो मोटू जम्मू कश्मीर ने भी उस वक्त फ्रीज किया जी, माइनस रैशनलाइजेशन। लेकिन उसके बाद जब ये बात हुई, इन्होंने ये जब प्रोसेस शुरू किया, वाइड इन्विटेशन फर्स्ट जी, इलेक्शन करवा लेते, उसके बाद वो पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं वो कम से कम अपना रोल अदा करते। लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पे भरोसा करते हैं ज्यादा। ये आज जो दो आप से कम 4 साल तो होने लगे, इसलिए डाउट हैं। और डाउट क्लियर करने के लिए क्रेशी साहब एक और स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट उमर अब्दुल्ला ने दिया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने तो चलो लाल किले से प्रधानमंत्री ने भी कहा, अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे, उन्होंने भी कहा कि जल्द चुनाव होंगे, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो। पहले मैं उमर अब्दुल्ला जी का स्टेटमेंट बताता हूँ। वजीर आजम साहब ने खुद इंतखाबात की बात की 15 अगस्त, उसके बाद दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें जो वजीर आजम साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए, कहा दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, वो दोनों चीज़ें वो दूर करना चाहते हैं। हमने उनकी बात का खैर मकदम किया, वेलकम किया, और हम भी चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से जो दूरी है वो कम होना चाहिए। उसके बाद हाल ही में होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि डिलिमिटेशन के बाद वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ लोग जो हैं वो इलेक्शन कराने के हक में नहीं हैं। अब देखते हैं कहाँ तक वो अपने साजिशों में कामयाब होंगे। क्रैशी साहब, आपसे ही सवाल बनता है ये कि वाकई में ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो? देखिए जी, आज देखिए बिल्कुल जिस तरीके के हालात बनाए हुए हैं जम्मू और कश्मीर के, तो इस वक्त सरकार डायरेक्टली जो कंट्रोल करती है जम्मू और कश्मीर को वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दिल्ली से जी। 5 अगस्त 2019 को यहाँ बड़े बड़े दावे किए गए थे कि आसमान से तारे भी ले आएंगे, दूध की नदियाँ भी बह जाएंगी, तो हुआ कुछ नहीं जी। आप अगर कौन सी वो एजेंसियाँ हैं, चाइना रोक रहा है, पाकिस्तान रोक रहा है, भूटान रोक रहा है, नेपाल रोक रहा है, कौन सा देश है जो ये रोक रहा है? पावर आपके पास है जी। आपने इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा हुआ है कि इलेक्शन करें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त को कह दिया कि इलेक्शन जल्द कराएंगी, डिलिमिटेशन कमीशन को बढ़ावा देकर उसको साल की मियाद और बढ़ा दी गई, अब वो तो मार्च तक उसकी मियाद है 2022 तक, तो कौन रोक रहा है? किसने कहा इलेक्शन ना कराओ? किस पार्टी ने कहा इलेक्शन ना कराओ? इनको तो चाहिए था पहले। आपको डाउट है कि कुछ लोग कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बीजेपी खुद नहीं कराना चाहती? बीजेपी खुद भी जब कहती है, देखिए विनोद जी बीजेपी खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रही है, आपने ही अदारे पर शक कर रही है। अगर सेंसिस ठीक नहीं थी तो पार्लियामेंट से ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लाया क्यों? उससे पहले भी जम्मू में बातें उठती थी। अगर आपके पास खुद ताकत थी, पावर थी, पार्लियामेंट में कोई एक्सरसाइज की थी, आपने लाया, आप उसके बगैर भी कर सकते थे। मैं दावे से कहता हूं अंडर लॉ अब तो किसी को अख्तियार नहीं है, जब तक दोबारा
सेंसस प्रोसेस शुरू नहीं होता तब तक किसी के पास पावर नहीं, चाहे वो जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी करो, अगर आप टेक्नोलॉजी या किसी सॉफ्टवेयर या किसी वजह से ये कहकर कि हम रेक्टिफिकेशन करें, वो तो फजिंग होगी जी, वो तो डायरेक्टली फजिंग होगी उस सेंसिस की प्रोपोर्शनेट से जिससे आप तब्दील करना चाहते हैं जी। ये आप पर बिल्कुल उंगली उठती है, बीजेपी खुद इलेक्शन नहीं करना चाहती, यहाँ के हालात को यूं के तू रखना चाहती है और इसको इस्तेमाल करना चाहती है यूपी बिहार और बाकी पांच रियासतों में। अजय जी इलेक्शन नहीं करना चाहते। पहली बात यह है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जिस तरह बीजेपी के भाई ने कहा कि ब्लॉक काउंसिल बने, डीडीसी काउंसिल बने, ये इसी हद तक खुश हैं। अच्छा, और इसी हद तक खुश इसलिए हैं कि वहां भी चेहरा नजर आ गया कि भाई क्या हुआ है। ये इलेक्शन इसलिए नहीं कराना चाहते कि जम्मू कश्मीर की हालत अच्छी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, बिजनेस तबका जो है वो परेशान है, अनएजुकेटेड यूथ जो है वो परेशान है, एजुकेटेड यूथ परेशान है, और इनके दावे 2014 के बाद आज तक जितने भी इन्होंने फैसले लिए वो सही नहीं है, और ये किस चीज़ को लेके लोगों के पास जाएंगे। इसलिए ये इस प्रोसेस को लेंथी करना चाहते हैं, डिलिमिटेशन अब वो फरवरी तक होगा। और मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अगले साल नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। अजय जी, आप सुधारना चाहेंगे जिस तरीके से इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट भी हमने सुनी, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही नहीं चाहते इलेक्शन हो, और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से ये कहा है। पहले तो मुझे जब उमर साहब का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, मुझे लगा कि वो शायद ज्योतिष ज्ञान पर भी अब फोकस करने लगे हैं, वो फुर्सत है आजकल, तो शायद उसी आधार पर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने ना तो आइडेंटिफाई किया ना कुछ ऐसे ही बताया, इसलिए स्पेकुलेशन पर तो मैं नहीं, मैं मेरी बात मेरे को करने दीजिए। उन्होंने जो कहा कि उनको लगता है कि कुछ लोग, वो लगता है किस बेसिस पर है, स्पेकुलेशन है, मैं इसको ये नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा कि उसको उन्होंने पूरा भी किया और पूरा करते भी है, करेंगे भी, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस को उन्होंने न केवल स्टार्ट किया, एक अंजाम तक भी पहुंचाने की कोशिश करी है। और जो ये असेंबली वाला इलेक्शन है, ये एक प्रोसेस है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं कि जब तक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट पर जब तक पब्लिक में, जिस प्रकार से आपने स्वयं अपने इनिशियल कमेंट्स में कहा कि पब्लिक में उस पर डिबेट हो जाएगी, पहले ही कुछ एनालिसिस करना, परसीव करना, जी उसमें ये होगा वो होगा, ये अपनी पुरानी आदतों का ही रिफ्लेक्शन है और मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं आपके ध्यान और तरफ से दिलाना चाहता हूं कि अभी उमर साहब के कुछ स्टेटमेंट्स आए जिस पर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने रिएक्शन दिया। किसी ने तो उनको कहा कि इनका झूठ बोलने की आदत है, टरबाज है, शब्द यूज हुआ टरबाज है, किसी ने और कुछ कहा, तो उनके अपने पर, तो उनके अपने कर्मों को जब लोग सामने रख रहे हैं तो वो रिएक्शन में उसको डिफ्लेक्ट करने की, जैसे कश्मीर की आवाम की जो गुस्सा यहां की लोकल सरकार पर के प्रति होता था, उसको दिल्ली की तरफ डिफ्लेक्ट करो, वही तकनीक अपनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाली है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है साफ साफ। एक तरफ आपका ये डबल स्पीक आपकी बात आ रही है, एक तरफ आप खुद ही कहती हो कि इसकी फजिंग है, और बीजेपी का स्पोक्स पर्सन या बीजेपी का लीडर चैनल पे बैठ के ये कहता ओपनली, और जबकि यहाँ जम्मू में इससे पहले आवाज़ उठती रही बात रही, तो आपने रीऑर्गेनाइजेशन में 2011 के सेंसिस पे पास कर लिया। हमें डाउट है कि ये जो बात बीजेपी आज कर रही है, ये फजिंग के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं और डिले करना चाहते हैं। अगर ये डिलिमिटेशन करेंगे भी तो उसमें बहुत बड़ी फजिंग होगी, लोगों की इंसाफ और डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होगा। और ये कहना चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाई 2011 की सेंसिस में फजिंग है, आज आप 2011 के सेंसिस के मुताबिक इलेक्शन के प्रोसेस रख के डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूट हुआ उसी के मुताबिक, वो उससे आगे पीछे नहीं जा सकते, लेकिन आपका बोलना इस वक्त ठीक नहीं लगता, यही शक की बुनियाद देता है मुझे लगता है। अजय जी, अभी रिकमेंडेशन नहीं आई, उससे पहले ही इनको शक
और डाउट्स पैदा हो गए। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि इनका डाउट्स इस बात पर है कि उन्होंने अपने जो पीछे जिस ढंग से डिलिमिटेशन को करवाया है वो उसी आधार पर उनको लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी वैसे ही इंटरफेयर करती है। भारतीय जनता पार्टी ना तो कभी ऐसा कर रहा है अभी तक, ना आगे करने वाली है। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार जैसा भी होगा वो हमने ये मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि 2011 पर क्वेश्चन मार्क है, और वो सिर्फ आज के नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके मैंने एग्जांपल दिए आपके क्वेश्चन मार्क कैसे है। डिलिमिटेशन कमीशन उसको कैसे एड्रेस करेगा वो देखने वाली बात है। हमने भी अपनी बात उसके सामने रिप्रेजेंट की है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जी ने साफ कहा है कि ये ऐसे नक्शे बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जिसमें इनको बेनिफिट हो, बना के रखे हुए हैं। नहीं मान लीजिए वो जब ये भी ये मैं रोक रहे हैं पहले से ही बना रखे हैं। मैं एक चीज बना रखे हैं, प्लीज 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 मुझे एक चीज बात करने दो। अभी आप नगरोटा वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप देख लीजिएगा। नहीं नगरोटा वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले नहीं, नगरोटा वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप जरा नक्शा देख लीजिए, कहां हम अखनूर रोड पर कहां पहुंचते हैं, जो नुमाइंदा होगा वो उसको कैसे पहुंचना। आप मुझे ये खुदारा बता दीजिए, अगर उसको ठीक करेंगे तो ये नक्शा, ये डिलिमिटेशन कमीशन को देखना है ना, हमने तो हमारी बात रिप्रेजेंट की है। वाला जो फजिंग वाला जो इशू आ रहा है कहीं ये तो नहीं है डिले टैक्टिक्स है, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में, वो इसको ये जो 2011 ये मैंने बिल्कुल स्पष्ट अल्फाज में कहा जी कि ये पहले कह देते हैं और उसके बाद कहते हैं ये जुमले हैं, ये मशहूर हैं जी। अच्छा इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को जो बयान दिया, उम्मीद बन पाई कि इलेक्शन होगा, लेकिन जब डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो गया तो चलते 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 मार्च अप्रैल भी जा रहा है। अब वो तो जो डिलिमिटेशन एक्सटेंशन मिली है एक साल, हाँ एक्सटेंशन की मिल गई। सवाल ये है कि चुनाव को आगे ले जाना जो है ये इनकी पॉलिसी है, और मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि 2024 से पहले चुनाव नहीं होंगे। नहीं 90 सीटों का चुनाव सिर्फ 83 सीटों पर करके दे दें क्या जी? 90 सीटें होने, 90 कौन 90 देख कौन बनाएगा, वो रूलिंग पार्टी का चीफ बनाएगा जैसे पीएम पहले होता था। देखिए देखिए नहीं 90 पर जो सीटें हैं पहले, अभी हमारे पास जो लद्दाख वाली निकालकर 83 रहती है, तो वो जो 7 सीटें हैं बढ़ानी है वो प्रेसिडेंट, वो क्या रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट करेगा? देखिए देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जब पंचायत के इलेक्शन 2011 की सेंसस के मुताबिक करा लिया आपको फजिंग नजर नहीं आई, जब आपने बीडीसी के इलेक्शन कराए बीडीसी के चेयरमैन के, आपको आसमान से हमने बहुत कुछ कर लिया बीडीसी की, जब उसके बाद डीडीसी के भी 2011 के सेंसस के मुताबिक करा लिए, वहां आपको फजिंग नजर नहीं आई, जहां आप यूरोपियन पार्लियामेंट को दिखाना था, देखिए प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट को दिखाना था जक्षा में बना लिया, आज हम कहते हैं फजिंग है, ये कैसे बना लिया जाए? आप फजिंग की बात कर रहे हो जबकि आपने डीडीसी के इलेक्शन में यूरोपियन पार्लियामेंट को दिखाया। क्रैसर समय का अभाव है आप हमारे कार्यक्रम में। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बशीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और इलेक्शन होने नहीं है।